हुक्मरान बनने से हमारा समाज बहुत घबराता है, रोता है, चिल्लाता है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ये सारी बातें रो रो कर चिल्लाता है, सदियों से चिल्लाता है। जब मैं उनको कहता हूँ कि इन सारी मुश्किल मुसीबत का हल करना है तो हमें हुक्मरान बनना होगा, क्योंकि मैंने मुट्ठी भर पठानों को देखा है, मुट्ठी भर मुगलों को देखा है, बहुत कम संख्या वाले अंग्रेजों को देखा है, और अंग्रेजों के जाने के बाद 15% सवर्ण जाति के लोगों को देखा है। इन सारे हुक्मरानों को मैंने देखा है, इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है, इनकी महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है, क्योंकि ये अन्याय अत्याचार हुक्मरान के साथ नहीं होता है। अगर हमें भी अन्याय अत्याचार का अंत करना है, अगर और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही चाहत है कि हमें अन्याय अत्याचार का अंत करना है, तो उसके लिए भी हमें हुक्मरान बनना होगा। यह शब्द बहुजन क्रांति के योद्धा माने जाने वाले मान्यवर काशीराम के हैं। बहुजन समाज यानी कि एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों को बहुजन समाज शब्द में जोड़ने वाले मान्यवर काशीराम का सपना था कि इस देश का भला तभी हो सकता है जब बहुजन सत्ता में आएंगे। उसी मकसद से मान्यवर ने बीएसपी का गठन किया और बहन मायावती को इसकी कमान सौंपी, जिसके बाद 4 बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी। मायावती के शासन में बेहतर कानून व्यवस्था, अलर्ट प्रशासन और गरीबों के लिए तमाम विकास के काम किए गए, जिसके लिए मायावती आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।